हेलो एवरीवन, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी अपडेट्स आती हैं जिसकी वजह से ऑर्डर्स फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अभी अगर हम देखें 7 डेज के जो सबसे ज़्यादा नीचे ग्रे कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन है स्टेलर, फैंटम, कॉन्फ्लेक्स, बहुत सारे जो अच्छे कॉइन्स हैं उनका प्राइस भी नीचे गिरा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें इन कॉइन्स को बाय करना है। तो आपके लिए आज मैं इस वीडियो में वही कॉइन्स लेकर आया हूँ जिनकी वैल्यू सिर्फ 10 सेंट या फिर उससे भी नीचे है। तो 10 सेंट के कॉइन बाय करना, आप खुद सोच सकते हैं कि जिनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है, तो अगर हम $4-5 $10 के भी खरीदते हैं तो हमें कितने ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे, यानी कि इनफ क्वांटिटी मिल जाएगी और उनमें जब पंप आएगा तो हम एक प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर पाएंगे जो कि कम से कम 10x तक भी हो सकता है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैनल पर पहली बार है तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल सर्च करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं और कोई भी ऑफर्स आती हैं, एयर ड्रॉप्स आते हैं, फ्री कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको वहीं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। तो एक्चुअल में जो US फेडरल रिजर्व के चेयर हैं जेरोम पॉवेल, तो उन्होंने बताया है कि वो शायद जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो लेबर मार्केट है, इन्फ्लेशन है, अभी FOMC के टारगेट रेट से थोड़ा ऊपर चल रहा है, जिससे प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक किया जा सकता है, जो कि बहुत लंबे समय से हाइक नहीं किए गए थे, बिल्कुल स्टेबल ही चल रहे थे। लेकिन ऐसा तो होना ही था कभी ना कभी कि इनके हाइक आ सकता है, तो ये हाइक होने जा रहे हैं। एक्चुअल में आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, चाहे ये नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों नहीं आई है, लेकिन फिर भी BTC का प्राइस $30,000 से ऊपर चल रहा है। इसी के साथ जो मार्केट कैप है $1 trillion से ऊपर चल रहा है और इसी के साथ जो डोमिनेंस है वो ऑलमोस्ट 50% ही चल रही है BTC की। तो ओवरऑल जितने भी अगर हम यहाँ इंडिकेटर्स देखें सब अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो ये अभी न्यूट्रल चल रहा है। ऐसा नहीं कि फियर में चला गया, यानी कि अभी भी हर कोई यही सोचता है कि यही प्राइस पॉइंट सही है जिसपे मैं अपने ऑल्टकॉइंस बाय करके रख लूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं वही ऑर्डर कॉइन्स बताने वाला हूँ जिनकी वैल्यू बहुत लो है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉइन है वो है XLM। तो XRP का हम राइवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी XRP में रिपल में अच्छी प्राइस मूवमेंट आती है तो हमें XLM यानी कि स्टेलर में भी ये प्राइस मूव देखने को मिल जाता है और इसकी वैल्यू 10 सेंट के आसपास ही चल रही है। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है जब ये एकदम से BTC का प्राइस नीचे गिरा है। तो ऑर्डकॉइंस बहुत कम है जिनकी वैल्यू एकदम बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है, तो उनमें से एक XLM भी है यानी कि स्टेलर है। तो स्टेलर में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी कॉइन से। ये कॉइन आपको हर एक एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा, जैसे कि बाइनेंस है या WZX है, आपके पास कॉइन बेस एक्सचेंज है, क्यूकॉइन है, तो किसी के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। तो दूसरे कॉइन की अगर हम बात करें तो दूसरा कॉइन है वी चेन का VET वेट, तो इसकी वैल्यू $0.018 के आसपास चल रही है, यानी कि बहुत कम वैल्यू चल रही है और इसके प्राइस में भी बहुत ज़्यादा एकदम से गिरावट आई है। और ख़ास चीज़ ये है कि इसकी वैल्यू पहले ही इतनी कम है कि आप कुछ ही डॉलर्स में एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो VET में पहले ही हैं और मई महीने में इन्होंने अपना Web3 वर्कशॉप भी लॉन्च किया था, एजुकेट किया था डेवलपर्स को। तो ऐसे हम इसमें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स देखते रहते हैं, तो आप VET से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरे कॉइन की बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, क्योंकि इसका क्या है कि बाइनेंस ने बहुत बड़ा बर्न किया, बहुत बड़ी परसेंटेज बर्न करी है, तो ये टेरा क्लासिक यानी कि LUNC। तो LUNC की वैल्यू बहुत कम है, $0.00081 के आसपास चल रही है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो बर्न्स है वो रेगुलर बेसिस पर चलते रहते हैं और ये बर्न्स करने का मतलब यही है कि इसकी सप्लाई को धीरे धीरे खत्म किया जाए, क्योंकि सप्लाई खत्म होगी तो उससे क्या है कि जो इसकी डिमांड है वो एज कम्पेयर टू सप्लाई हमेशा ज़्यादा रहने वाली है। तो ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डिफ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से ही इसके वैल्यू में हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं। और आई होप कि आपके पास ये पहले ही कॉइन्स काफ़ी सारे पड़े होंगे, अगर नहीं पड़े हैं तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। तो कुछ क्रिप्टो डेवलपर्स हैं जो कि सिख समुराई के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस टोकन को वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाले हैं। और इसी के साथ जो बाइनेंस के CEO हैं CZ, तो उन्होंने भी कहा है कि वो टेरा ब्लॉकचेन में और भी ज़्यादा स्पीडी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं और ख़ासकर इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो लूना क्लासिक के ऊपर ही पड़ा है। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए Q3 के बजट में लगाया गया $1,16,000, जिससे क्या कि हम एक बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं सिर्फ लूना क्लासिक में नहीं बल्कि लूना में भी। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो $0.10 से यानी कि 10 सेंट से जो नीचे है वो LUNC है, तो इसमें हम अच्छा मूव देख सकते हैं। अब हम चौथे कॉइन की बात करेंगे तो ये है
एल्गो के नाम से एल्गोरेंट का कॉइन है। इसकी वैल्यू 11 सेंट के आसपास चल रही है, तो ये कॉइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अभी ही नीचे गिरी है। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पे आप बाय कर लोगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 4-5 सेंट का तो बहुत आसानी से प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर आप लॉन्ग करके रखते हैं, ज़्यादा लेवरेज लेकर लॉन्ग करते हैं, तो आपको यहाँ प्रॉफिट बहुत अच्छा मल्टीप्लाई होता हुआ देख सकते हैं। और वैसे भी लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए अगर आप स्पॉट में रखना चाहते हो तब भी ये कॉइन अच्छा है। पांचवें कॉइन की बात करें तो अभी हम मेटावर्स बेस्ड कॉइन की बात करेंगे जो है गाला के नाम से। तो गाला बहुत ही अच्छा टोकन रहा है एनएफटी बेस्ड या फिर मेटावर्स बेस्ड टोकन्स की बात करें तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर यही कॉइन आता है। तो इसकी वैल्यू भी अभी बहुत कम चल रही है, $0.023 चल रही है, यानी कि 10 सेंट से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप बाय करते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए अच्छा है। वैसे भी मार्केट कैप के हिसाब से 75 के आसपास इसका रैंक है और वॉल्यूम 24 आवर्स की इसकी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, यानी कि इसमें रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग चलती रहती है और ये कॉइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो गाला गेम्स के नाम से इस गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोजेक्ट है ये वाला, एंड लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बेस्ट कॉइन है। तो ये थे आज के हमारे 5 कॉइन। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ जिन कॉइन्स में बहुत ज़्यादा एकदम से गिरावट आई है, तो वो एप कॉइन है, फैंटम है, कॉन्फ्लक्स है, सिंथेटिक है, स्टेलर है, यानी कि एप कॉइन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आप एप कॉइन भी कंसीडर कर सकते हैं, इवन आप शिबा इनू को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको कल के दिन मैंने अपडेट्स दी थी कि शिबा इनू अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इसकी अपडेट्स ही काफ़ी सारी। तो पिछला वीडियो जाकर चेक शुरू कर लेना शिबा इनू के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून, थैंक यू।